हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग अवर साइंस बुक ऑफ 8th क्लास इन दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर स्टडिंग अवर थर्ड लेसन इन दीज डेज। इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा थर्ड लेसन विच इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, एंड वी हैव कम्प्लीटेड द पार्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का जो सिंथेटिक फाइबर वाला जो पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द प्लास्टिक्स, और हम लोग प्लास्टिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वी हैव स्टडीड। फर्स्ट वॉज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हम लोगों ने प्लास्टिक के जो टू टाइप्स होते हैं, मेन जो टू टाइप्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी की थी। फर्स्ट जो टाइप थी वो थर्मोप्लास्टिक्स थी, जो कि आसानी से मेल्ट हो जाती है जब हम उसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, और ऐसी प्लास्टिक जो कि एक बार अगर उसको मोल्ड कर दिया जाता है, उसको ढाल दिया जाता है, उसके बाद में फिर उसको हीट देने से भी वो सॉफ्ट नहीं होती है, तो ये होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हम लोग इजीली अगर अपन अंडरस्टैंड करना चाहें तो थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो सॉफ्ट होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है वो हार्ड होती है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स भी हम लोगों ने स्टडी किए थे कि जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है, जो डिश होती है, जो टाइल्स के ऊपर एक लेयर आती है, जो लस्टरिंग लेयर है, चमकीली लेयर, और इसी की तरह से जो स्विच होते हैं बिजली के, ये सब एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, क्योंकि ये सब हार्ड होते हैं। और ये दोनों ही जो प्लास्टिक्स होते हैं, स्पेशली ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही वीक कंडक्टर, यानी वीक या पुअर कंडक्टर, ये हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर मतलब इसमें से हीट भी पास नहीं हो पाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है, इसीलिए इनसे जो स्विच वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो स्विच वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो पाती है, और इसीलिए यहाँ पर इनके हैंडल जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो पकाने के बर्तन होते हैं, उनके हैंडल्स भी इसी से प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि ये हीट पास नहीं करते हैं, गर्म नहीं होते हैं। इसी तरह जो एग्जांपल्स थे थर्मोप्लास्टिक के, वो जो पेट जार होते हैं या कंटेनर्स होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, या जो वायर के ऊपर का जो कवर होता है प्लास्टिक का, ये एग्जांपल हैं थर्मोप्लास्टिक के। टुडे वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है। टुडेज पॉइंट इज प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक एक पसंद के पदार्थ के रूप में, चॉइस का मतलब होता है पसंद और मटेरियल यानी पदार्थ, प्लास्टिक एक एज यानी तरह, एक पसंद के चॉइस के मटेरियल के एज यानी तरह या रूप में। तो आप जानते ही हैं कि आज के इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्लास्टिक की हमें दिखाई देती है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले आयरन की बना करती थी या एल्युमिनियम की बना करती थी, आज वो प्लास्टिक की बन रही है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लें, अपने घर में जो बकेट होती है, बाल्टी होती है, पहले लोहे की बाल्टियां ज़्यादा होती थी। इसी तरह जो कंटेनर्स जो मग जो होते थे वो लोहे के या स्टील के होते थे। आजकल जो बकेट्स होती हैं मोस्टली प्लास्टिक की होती है, क्योंकि वो लाइट वेट होती है, हल्की होती है और ड्यूरेबल भी होती है, चलाऊ भी होती है, उसमें कोई रस्ट वगैरह नहीं लगती है, जंग नहीं आती है। तो कई सारे प्लास्टिक की जो स्पेशलिटीज हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कारण से ये प्लास्टिक का जो यूज है वो बढ़ता ही जा रहा है, और ये चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ चॉइस बनता जा रहा है, यानी पसंद का पदार्थ, पसंद का मटेरियल बनता जा रहा है प्लास्टिक। तो आइए स्टडी करते हैं कि किस तरह से प्लास्टिक जो है वो मटेरियल ऑफ चॉइस बन गया है। टुडे आज इफ वी थिंक, यदि हम सोचते हैं ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, एक फूड आइटम को स्टोर करने के बारे में, अगर हम किसी खाने पीने की चीज को
स्टोर करने के बारे में, उसको कहीं पर सुरक्षित रखने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि वाटर को रखना हो, मिल्क को रखना हो, पिकल यानी अचार को रखना हो, ड्राई फूड यानी सूखे भोजन को रखना हो, एटसेट्रा आदि, इन सब चीज़ों को अगर हमें स्टोर करना हो, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट, तो प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं यानी डिब्बे होते हैं वो सीम यानी दिखाई देते हैं मोस्ट यानी ज़्यादातर। ज़्यादातर चीज़ें अगर आपको स्टोर की हुई दिखाई देगी, और स्पेशली जो फूड आइटम है यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो स्टोर दिखाई देगी आपको, वो दिखाई देगी प्लास्टिक कंटेनर्स में यानी प्लास्टिक के डिब्बों में। प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक, तो आपको दिखाई देगी ज़्यादातर जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के जो कंटेनर्स है सीम मोस्ट कन्वीनियंट, वो ज़्यादा आसानी या सुविधाजनक दिखाई देते हैं। कन्वीनियंट यानी होता है सुविधाजनक, तो प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं वो सुविधाजनक क्यों होते हैं, क्योंकि ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं, ज़्यादा वजनदार नहीं होते, और खाने पीने की आइटम्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करते, कोई क्रिया नहीं करते। जबकि अपन मेटल के किसी कंटेनर में किसी फूड मटेरियल को रख देंगे तो वो खराब हो सकता है, वो उससे रिएक्शन कर सकता है। तो काफ़ी सारे इसमें गुण होते हैं प्लास्टिक में, और जिसके कारण से ये कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट दिखाई देते हैं, ज़्यादा सुविधाजनक दिखाई देते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है ऑफ देयर लाइट वेट, उनके हल्के वजन के कारण, लोअर प्राइस ज़्यादा कम उनकी कीमत के कारण, लो से बना है लोअर, ज़्यादा कम कीमत के कारण, गुड स्ट्रेंथ अच्छी ताकत के कारण, एंड इजी हैंडलिंग और आसान उपयोगिता के कारण। तो ये सारे गुण होते हैं प्लास्टिक में। ये लाइट वेट होता है यानी हल्के वजन का होता है, इसकी प्राइस भी लोअर होती है, कम होती है। एक तो आप कोई भी चीज़ लोहे की लेंगे, एक आप वही चीज़ प्लास्टिक की लेंगे, तो प्लास्टिक जो है वो लोअर प्राइस में आ जाएगा, कम प्राइस में आ जाएगा। गुड स्ट्रेंथ होती है, ताकत भी इनकी जो क्षमता होती है, जो इनकी स्ट्रेंथ यानी ताकत होती है वो भी अच्छी होती है, और इजी हैंडलिंग, आसानी से इनको हैंडल किया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। बीइंग लाइटर होने के कारण, यानी लाइटर लाइट से बना है, लाइटर हल्के होने के कारण, एज कंपेयर टू मेटल्स की तुलना में, मेटल्स यानी धातु की तुलना में, जो धातुएं होती है लोहा, चांदी, पीतल, सोना, स्टील, ये सब एल्युमिनियम, ये सब मेटल्स कहलाती है, धातु कहलाती है। तो बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स के कंपैरिजन में, मेटल्स यानी धातु के तुलना में ज़्यादा हल्के होने के कारण, प्लास्टिक्स यूज किए जाते हैं इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स टू। कारों में प्लास्टिक का यूज होता है, स्पेस एयरक्राफ्ट यानी जो हवाई जहाज होते हैं उनमें, और स्पेस क्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यानों में भी, टू यानी भी, इनमें भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इन कार्स, ये हो चुका है, द लिस्ट इज एंडलेस। ये जो लिस्ट है, जिसमें अगर हम ऐसी लिस्ट बनाते हैं जिसमें प्लास्टिक का यूज होता है, ऐसी चीज़ों की अगर अपन लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, तो ये एंडलेस है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट जा सकती है ये। द लिस्ट इज एंडलेस, लिस्ट ये एंडलेस है, इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स, यदि हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग यानी गिनना आर्टिकल्स यानी उन चीज़ों को, लाइक स्लीपर्स, जैसे कि पैर में पहनने वाली स्लीपर हो गई, फर्नीचर हो गई, डेकोरेशन के पीसेज यानी सजावटी चीज़ें हो गई, सजावट की चीज़ें हो गई, एटसेट्रा आदि। तो ये लिस्ट एंडलेस हो जाएगी अगर हम इसको काउंटिंग करना शुरू करें। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को भी गर्दन घुमाकर देखेंगे तो काफ़ी आपको प्लास्टिक की चीज़ें दिख जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस, आइए अब डिस्कस करते हैं द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की विशेषताएं और इसकी प्रॉपर्टीज यानी इसके गुण। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। देखिए अब प्लास्टिक के हम इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये अब स्टडी करने वाले हैं।
थोड़ा डिटेल से कि क्या क्या विशेषताएं होती है प्लास्टिक में जिसके कारण इसको यूज किया जाता है और ये इसका यूज इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सबसे फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। ये प्लास्टिक होता है नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब होता है क्रिया करने वाला। तो जो चीजें रिएक्ट करती है आपस में, क्रिया कर लेती है, तो उससे क्या होता है कि जो दोनों चीजें हैं वो बदल जाती है, उनका फॉर्म बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन किसी लोहे के डिब्बे में अचार को डाल दें तो जो लोहा है, जो मेटल है, वो पिकल के साथ, अचार के साथ रिएक्शन कर लेगा और लोहा भी खराब हो जाएगा और अचार को भी खराब कर देगा। तो वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं दोनों। लेकिन प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव होता है, ये अक्रियात्मक होता है, क्रिया नहीं करता। यू नो, आप जानते हैं दैट मेटल्स की जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती है लाइक आयरन, जैसे कि लोहा, गेट रस्टेड, ये रस्टेड हो जाते हैं यानी जंग लग जाता है इनके, व्हेन जब लेफ्ट एक्सपोज्ड, जब इनको छोड़ दिया जाता है खुला टू मॉइस्चर, नमी में या गीलेपन में, एंड एयर और हवा में। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट, लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता, क्रिया नहीं करता विद वॉटर एंड एयर, हवा और पानी के साथ। दे आर नॉट कोरेडेड, दे आर नॉट कोरेडेड, ये कोरेडेड नहीं होते। कोरेडेड का कोरेशन का मतलब होता है संक्षारण होना, यानी धीरे धीरे खराब होना, धीरे धीरे खत्म होना, इसको कोरेशन कहते हैं। तो ये कोरेडेड नहीं होते, यानी ये संक्षारित नहीं होते, धीरे धीरे खत्म नहीं होते इजीली, यानी आसानी से। दैट इज वाई, इसीलिए दे आर यूज्ड, इनको यूज किया जाता है टू स्टोर, इकट्ठा या सुरक्षित रखने के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल, कई प्रकार की सामग्री को, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, जिसमें शामिल है बहुत सारे रासायनिक पदार्थ, केमिकल भी शामिल है। केमिकल बहुत ही कई बार डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं, लेकिन उनको भी प्लास्टिक में स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो रिएक्शन नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव होता है। तो सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, विशेषता वाले जो गुण हैं इसके, उसमें फर्स्ट जो है वो है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, ये क्रिया नहीं करता चीजों से, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसका गुण है, इसकी विशेषता है। नंबर टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसकी है, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक होता है हल्का, मजबूत और चलाऊ। टॉक टू योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और ग्रैंड पेरेंट्स या अपने दादा दादी से बात कीजिए अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स, बाल्टी के टाइप के बारे में, दैट वर यूज्ड, जो कि यूज की जाती थी इन द पास्ट, यानी भूतकाल में, पुराने समय में। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स, क्या है मटेरियल यानी पदार्थ बाल्टी का और मग्स या मग का, यू आर यूजिंग टूडे, आप जो यूज कर रहे हैं आज, यानी आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर जो हैं उस जमाने में किस मटेरियल से बनी हुई बकेट या मग यूज किए जाते थे, तो लोहे की बाल्टी और लोहे के मग यूज किए जाते थे। आप भी अभी भी कोई पुरानी बाल्टी पड़ी होगी आपके घर में, तो आप देखोगे कि लोहे की बाल्टियां हुआ करती थी, तो वो काफी भारी होती थी, वो काफी उनमें वेट होता था, तो जैसे अगर जितना उसमें पानी आ रहा है उतना तो उसमें खाली बाल्टी में ही वजन होता था, तो वो एक तरह से अच्छी प्रोडक्ट नहीं कह सकते हम उसको, अच्छा प्रोडक्ट नहीं कह सकते। लेकिन आज किस मटेरियल का यूज किया जा रहा है मग और बकेट बनाने में, और आप किस मटेरियल से बने हुए बकेट और मग आज यूज कर रहे हैं, तो हम आज प्लास्टिक से बने हुए बकेट और मग का यूज करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, क्या है एडवांटेजेज यानी फायदे ऑफ यूजिंग, उपयोग करने के ए प्लास्टिक कंटेनर, एक प्लास्टिक के डिब्बे को। देखो, कंटेनर शब्द डिब्बे के लिए भी आ सकता है, बाल्टी के लिए भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर अपन इसका वर्ड मीनिंग निकालेंगे तो कंटेन से बना है कंटेनर, कंटेन यानी होता है रखना, और कंटेनर का मतलब हो गया रखने वाला। कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज को रखती है, जैसे डिब्बा है वो भी कंटेनर है,
क्योंकि वो कंटेन कर रहा है, किसी चीज को रख रहा है, इसलिए वो कंटेनर है। बाल्टी भी कंटेनर है, कोई बड़ा ड्रम है वो भी कंटेनर है। तो कंटेनर वो हर चीज है जो किसी चीज को रखती है अपने अंदर। तो यहाँ कंटेनर का जो यूज है वो प्लास्टिक कंटेनर का मतलब प्लास्टिक के डिब्बे अपन सरल भाषा में बोल सकते हैं। तो क्या एडवांटेज है, क्या फायदे हैं यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर यूज करने के? सिंस चूंकि प्लास्टिक इज वेरी लाइट, प्लास्टिक होता है बहुत हल्का, स्ट्रांग यानी मजबूत, ड्यूरेबल यानी चलाऊ, एंड कैन बी मोल्डेड, और इसको मोल्डेड किया जा सकता है यानी पिघला के ढाला जा सकता है इनटू डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकारों में एंड साइजेज, यानी अलग अलग शेप्स यानी आकृतियों में एंड साइजेज यानी आकारों में। हर टाइप के शेप और साइज के चीजों को बनाया जा सकता है प्लास्टिक से, प्लास्टिक को मोल्ड करके, उसको पिघला करके, सांचों में ढाल करके। इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है फॉर वेरियस पर्पजेज, कई पर्पजेज यानी कई उद्देश्यों के लिए। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर, प्लास्टिक्स होते हैं साधारणतया चीपर यानी ज्यादा सस्ते देन मेटल्स, मेटल्स की तुलना में यानी धातुओं की तुलना में। दे आर वाइडली यूज्ड, ये बड़े तौर पर यूज किए जाते हैं इन इंडस्ट्री उद्योगों में एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और घरेलू काम में आने वाली आर्टिकल्स यानी वस्तुओं को बनाने में। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, डिफरेंट काइंड के प्लास्टिक कंटेनर्स की लिस्ट बनाइए दैट यू यूज इन डेली लाइफ, जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो आप भी जानते हैं कि बकेट्स हम यूज करते हैं, मग्स हम यूज करते हैं, जो अपना किचन होता है उसमें प्लास्टिक के हम कंटेनर यूज करते हैं, कई बार जो बड़े ड्रम होते हैं वो भी प्लास्टिक के यूज किए जाते हैं। तो अपने घरों में काफी चीजें, काफी सारे कंटेनर जो होते हैं वो प्लास्टिक के यूज किए जाते हैं। तो यहां पर आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं करना है, लेट्स गो अहेड, आइए चलते हैं आगे। द थर्ड एंड द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज, जो अगली करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की वो है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। चालक का क्या मतलब होता है कि कोई चीज अगर किसी में से पास हो जाती है, जैसे मान लो करंट है, जैसे मान लो आपने कोई लोहे का सरिया पकड़ रखा अपने हाथ में, दूसरी तरफ से उसमें कोई करंट आ जाता है तो वो करंट आपको भी लगेगा, क्योंकि लोहे के सरिये में से होकर के करंट आ जाता है आपके पास। तो वो जो लोहा है जिससे वो सरिया बना हुआ है वो कंडक्टर कहलाएगा, वो चालक है, वो इसका इलेक्ट्रिसिटी का चालक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वहां आपके पास आ गई उसमें से होते हुए। तो कंडक्टर का मतलब होता है चालक, यानी जिसमें से कोई चीज पास हो जाती है। तो जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है यानी बिजली पास हो जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहलाता है। और कई चीजें ऐसी होती है जो गर्म होने पर पूरी उसकी गर्मी आगे तक चली जाती है। जैसे लोहे का ही उदाहरण ले लें अपन वापस, लोहे के सरिये को आपने पकड़ रखा है, दूसरी साइड से अगर उसको गर्म करते हैं तो वो गर्मी दूसरी आपके हाथ पे भी आएगी धीरे धीरे। तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है आयरन, और हीट का भी कंडक्टर होता है। लेकिन कई चीजें कंडक्टर नहीं होती है, जैसे लकड़ी है। तो लकड़ी या वुड जिसको हम कहते हैं, वुड को अगर आपने वुड एक लॉन्ग वुड है आपके पास में, लंबी लकड़ी है, स्टिक है, और आपने एक तरफ उस पर करंट लगाया, दूसरी तरफ आपने पकड़ रखा है, अगर आपकी वुड ड्राई है, सूखी है, तो वो करंट आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वुड जो है वो कंडक्टर नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरह अगर एक साइड से आप उसको गर्म करोगे तो आपके पास दूसरी हिस्से पर, सेकंड एंड पर वो नहीं आएगी गर्मी, तो वो हीट की भी कंडक्टर नहीं होती है। तो जो कंडक्टर नहीं होता है उसको बोलते हैं पुअर कंडक्टर, हीन चालक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विशेष परिस्थितियों में जो कंडक्टर नहीं होता वो भी कंडक्टर बन जाता है विशेष परिस्थितियों में। लेकिन इसलिए ऐसी चीजें जो जिनमें नॉर्मली जो कंडक्टर नहीं होती उनको पुअर कंडक्टर बोलते हैं, हीन चालक। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, जो प्लास्टिक होते हैं वो हीन चालक होते हैं। यू हैव लर्न्ड, आप पढ़ चुके हैं अबाउट दैट प्लास्टिक्स, अबाउट दैट यानी इसके बारे में, कि
प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, कि प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके? ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ताप के यानी ऊष्मा के और विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। न तो प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है न उसमें से हीट पास होती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के ही पुअर कंडक्टर होते हैं प्लास्टिक। दैट इज वाई, इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं, बिजली के जो तार होते हैं, हैव यानी रखते हैं, उनके ऊपर होता है प्लास्टिक कवरिंग, उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ आता है, ताकि उनके अंदर जब करंट चालू रहता है तो अगर किसी का हाथ भूल से लग जाए तो भी उसके करंट नहीं आए, क्योंकि उसका कवर जो है वो उस करंट को बाहर नहीं आने देता है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, जो स्क्रू ड्राइवर यानी जिसको हम पेचकस कहते हैं, उसका जो हैंडल होता है पकड़ने का, आर मेड ऑफ प्लास्टिक, वो भी प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि वो भी कई बार अपन कसते हैं किसी स्क्रू को और उसमें करंट होता है तो वो अपने को नहीं लगे, इसलिए स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस का हैंडल भी प्लास्टिक का बना होता है। एज मेंशन्ड अबो, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स, जो हैंडल होते हैं फ्राइंग पैन्स यानी तलने के जो बर्तन होते हैं उनके, आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं। तो इस तरह से आपने 3 पॉइंट्स के थ्रू ये स्टडी की है कि किस किस तरह के करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज होती है प्लास्टिक में, जिससे कि वो एक यूजेबल, मोर यूजेबल बन चुके हैं। नेक्स्ट एक बॉक्स दिया हुआ है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे। यहां पर अगर डू होता तो जानते हैं हो जाता, लेकिन डिड का प्रयोग किया गया यानी जानते थे। डिड यू नो, क्या आप जानते थे। कुछ फैक्ट्स यहां दिए गए हैं, देखते हैं क्या बोला हुआ है और क्या हम जानते थे। प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज, एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक यानी बड़े तौर पर या फैला हुआ। प्लास्टिक को हम पाते हैं एक्सटेंसिव यूज यानी व्यापक उपयोग, प्लास्टिक का हम व्यापक उपयोग या बहुत फैला हुआ उपयोग पाते हैं इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो स्वास्थ्य की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री यानी उद्योग है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, हेल्थ से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री है, जहां ऐसा उद्योग जहां दवाइयां बनती है या और कुछ हेल्थ से जुड़े हुए आइटम बनते हैं, उसको हेल्थ केयर इंडस्ट्री बोलेंगे हम, तो उसमें भी प्लास्टिक का एक्सटेंसिव यूज यानी व्यापक उपयोग हम पाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज, कुछ एग्जाम्पल इसके उपयोग के आर यानी हैं, द पैकेजिंग ऑफ टेबलेट्स, तो आपने देखा होगा कि जो टेबलेट्स आती है, जो गोलियां आती है दवाई की, वो पैकेज, उसका जो पैकेट होता है जिसमें वो पैक होके आती है, वो प्लास्टिक का ही होता है। थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, जो वाउंड्स यानी कई बार हमारे जो स्किन है वो कट जाती है, लंबा कट आ जाता है तो उसको स्टिच करना पड़ता है, उसकी सिलाई करनी पड़ती है, टांके लगाने पड़ते हैं, तो वहां पर जो थ्रेड होता है, जो धागा काम में आता है, वो भी प्लास्टिक का होता है। सिरिंज जो होती है जिसको अपन इंजेक्शन कहते हैं, वो भी प्लास्टिक का होता है। डॉक्टर्स ग्लव्स, डॉक्टरों के पहनने के जो हाथों में ग्लव्स होते हैं, दस्ताने, वो भी प्लास्टिक के होते हैं। एंड ए नंबर ऑफ मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंट्स, और बहुत बड़ी संख्या में जो मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी चिकित्सकीय जो उपकरण होते हैं, वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं। तो देखा आपने किस तरह से जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उद्योग है, वहां पर भी एक्सटेंसिव यूज प्लास्टिक का देखा जाता है। नेक्स्ट एक फैक्ट दिया हुआ है, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर, विशेष रूप से बने हुए प्लास्टिक के कुकवेयर, कुकवेयर यानी खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनको कुकवेयर कहते हैं। तो विशेष रूप से प्लास्टिक के बने हुए कुकवेयर इज यूज्ड, वो यूज किए जाते हैं इन माइक्रोवेव ओवंस। आजकल देखिए एक नए प्रकार का खाने पीने की चीजों को गर्म करने का एक बॉक्स जैसा आता है जिसको माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। उसमें अपन चाहे जितनी टेम्परेचर को सेट करके किसी भी चीज को चाहे जितना टेम्परेचर पे गर्म कर सकते हैं, हल्का गर्म करना है, तेज गर्म करना है, और उसमें क्या है कि आप सीधा ही बाउल में कोई चीज को रख दो यानी कटोरे में या कटोरी में रख दो और उस बॉक्स के अंदर रख दो, आप टेम्परेचर सेट कर दो भाई कितना गर्म करना है, तो उतना गर्म वो चीज हो जाएगी।
ऐसे एक बॉक्स को माइक्रोवेव ओवन कहते हैं, वो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसके अंदर जो बाउल्स रखे जाते हैं, जो कटोरी रखी जाती है, जो कंटेनर रखे जाते हैं चीज़ों को गर्म करने के लिए, वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं, स्पेशल प्लास्टिक से। इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड, फूड को कुक करने के लिए जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं, उनमें जो स्पेशल प्लास्टिक के कुकवेयर यानी पकाने के जो बर्तन होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं। द हीट कुक्स द फूड, जो गर्मी होती है माइक्रोवेव ओवन में, वो उसकी जो हीट होती है वो कुक्स यानी पका देती है द फूड यानी भोजन को, बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, लेकिन उस प्लास्टिक के वेसल यानी बर्तन को इफेक्ट नहीं करती। तो इस तरह के वो बर्तन होते हैं माइक्रोवेव ओवन के लिए, वो भी प्लास्टिक के होते हैं। आपने पढ़ा होगा या टीवी पे देखा होगा, ऐड आता है या देखा भी होगा कि आजकल इस तरह के तवे आते हैं, इस तरह के जो अपन तवा कहते हैं, कुकवेयर जो कुकवेयर भी कह सकते हैं, खाना पकाने के पैन यानी कढ़ाई आती है, तवे आते हैं, तो जिन पे कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, ऐसे भी पहले या आज हम लोग जो सिंपल मेटल से बने हुए पैन यानी कढ़ाई या तवा यूज करते हैं, उसमें कई बार रोटी चिपक जाती है, सब्जी चिपक जाती है, लेकिन आजकल इस तरह के कुकवेयर आने लगे हैं जिस पे कोई चीज चिपकती नहीं है, उनको नॉनस्टिक बोलते हैं, नॉनस्टिक तवा, नॉनस्टिक पैन। तो वो चिपकती क्यों नहीं है उस पे कोई चीज, क्योंकि उस पे एक कोटिंग चढ़ी हुई आती है, एक लेयर आती है, एक प्लास्टिक की लेयर आती है। अब आप सोचोगे प्लास्टिक की लेयर आती है तो जल जानी चाहिए, लेकिन वो अलग टाइप का प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जिसका नाम होता है टेफ्लोन। वो एक स्पेशल प्लास्टिक है टेफ्लोन नाम का, उसकी लेयर आती है, तो उसके कारण से कोई चीज़ उस पर चिपकती नहीं है। हालांकि हेल्थ के हिसाब से उन बर्तनों में खाना बनाना अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक है और उसका असर भी उसमें आ जाता है खाने में। तो यहाँ दिया हुआ है टेफ्लोन इज ए स्पेशल प्लास्टिक, एक टेफ्लोन नाम का स्पेशल प्लास्टिक होता है, याद रखना है आपको टेफ्लोन, ऑन विच जिसके ऊपर ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी डू नॉट स्टिक, वो स्टिक यानी चिपकते नहीं है। इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है फॉर नॉनस्टिक कोटिंग, नॉनस्टिक कोटिंग करने में यानी नॉनस्टिक परत चढ़ाने में ऑन कुकवेयर्स, खाना पकाने के बर्तनों में। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड ए पार्ट ऑफ द लेसन टूडे, आज हम लोगों ने यहाँ तक का लेसन स्टडी किया है। वी विल कंटिन्यू द लेसन टुमारो, कल हम इस लेसन को और आगे बढ़ाएंगे, बट टाइम ऑफ टूडेज वीडियो इज नॉट लेफ्ट नाउ, अब कोई टाइम बचा नहीं है, वी हैव टू फिनिश द वीडियो, आज का जो वीडियो है वो फिनिश करना होगा हमें। बट आई वॉन्ट टू गिव यू सम रिटर्न वर्क, कुछ रिटर्न वर्क मैं आपको देना चाहूंगा। यू हैव टू राइट डाउन दिस बॉक्स इन योर नोटबुक, डिड यू नो, क्या आप जानते थे। यू हैव टू मेक द पॉइंट्स, मेक द साइन ऑफ पॉइंट्स बिफोर स्टार्ट द पॉइंट, पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले आपको इस पॉइंट वाला एक साइन ऐसा शो करना है। एंड देन यू हैव टू नोट डाउन द पॉइंट एंड स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट विद द नेक्स्ट लाइन एंड देन कम्प्लीट द सेकेंड वन एंड देन स्टार्ट द थर्ड पॉइंट फ्रॉम ए न्यू लाइन एंड कम्प्लीट दैट वन ऑल्सो एंड यू हैव टू लर्न दीज फैक्ट्स ऑल्सो। इसमें कुछ फैक्ट्स जो दिए हुए हैं वो भी आपको लर्न करने हैं, जैसे कि वो कौन सा स्पेशल प्लास्टिक होता है जो कि स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है, जिस पर ऑयल और वाटर नहीं स्टिक करते हैं, ऐसा कौन सा प्लास्टिक होता है, जिस नॉन स्टिक जो कुकवेयर आते हैं उनमें कौन से प्लास्टिक की लेयर आती है या कोटिंग आती है, तो वो होता है टेफ्लोन, ये आपको याद रखना है। इसी तरह एक जो प्लास्टिक का यूज है वो है माइक्रोवेव ओवन में, जो स्पेशल प्लास्टिक के कुकवेयर होते हैं वो उन पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पर दिया गया है कि हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसमें प्लास्टिक के कितने टाइप के यूजेज होते हैं, ये भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इनको आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में एंड ट्राई टू लर्न देम। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो, सी यू एंड बाय।